फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पुराने फ़ोन में कोई YouTube चैनल आप चलाते हैं, अब आपने नया फ़ोन ले लिया है तो आप नए फ़ोन में उस YouTube चैनल को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ही सिंपल स्टेप है, बस आपको थोड़ा ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना है। तो चलिए फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर चलते हैं। तो जब आप अपना कोई भी फ़ोन आप यूज़ करते हो उसकी सेटिंग्स के अंदर आ जाइए, आपके फ़ोन में सेटिंग्स ढूंढ लीजिए और सेटिंग्स के अंदर आने पर आपको देखिए दोस्तों करना क्या है, यूज़र एंड अकाउंट्स के ऊपर जाना है। किसी किसी फ़ोन में गूगल के नाम से होगा, किसी फ़ोन में अकाउंट एंड सेटिंग्स के नाम से होगा। तो यूज़र्स एंड अकाउंट्स के अंदर जब आप आ जाएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऐड अकाउंट, ऐड अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ऐड अकाउंट पर क्लिक करने पर आपके सामने यहाँ पर ये लिस्ट आएगी ऐप्स की, तो यहाँ से हम गूगल सेलेक्ट कर लेंगे, गूगल को सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों गूगल को सेलेक्ट करने पर ये चेकिंग इन्फो करेगा और ये थोड़ा वेरीफाई करेगा, फिंगरप्रिंट दे दिया मैंने, अब ये थोड़ा चेक करेगा यहाँ पर कौन कौन सी आईडी लॉगिन है, अब ये साइन इन की बोलेगा। अब आपका जिस जीमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल था पुराने फ़ोन में, उस जीमेल आईडी को यहाँ पर टाइप कीजिए। जीमेल आईडी मैंने टाइप कर दिया, इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पर ये हमसे पासवर्ड पूछेगा आपके उस जीमेल आईडी का, पासवर्ड टाइप कर देंगे। पासवर्ड टाइप करने पर इसको नेक्स्ट कर देंगे। दोस्तों नेक्स्ट करने पर यहाँ पर टू स्टेप वेरिफिकेशन आ रहा है, क्योंकि मैंने इस जीमेल आईडी में टू स्टेप वेरिफिकेशन लगा रखा है। तो चलिए इसको भी वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको एक ऐप आपके फ़ोन में होनी चाहिए, गूगल ऑथेंटिकेटर। तो चलिए गूगल ऑथेंटिकेटर को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। देखिए वेरीफाई करने आप कई तरीक़ों से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हैं, आप अपनी जीमेल आईडी से कोड प्राप्त कर सकते हैं, आप अपने फ़ोन पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं, या गूगल ऑथेंटिकेटर पर आप कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रखा है, तो इसको चलिए मैं सेट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि जो मैंने अभी जीमेल आईडी लॉगिन की थी उसमें मेरा चैनल अब इस मोबाइल में नए फ़ोन में लॉगिन हो चुका है। तो दिखाने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस फ़ोटो प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने पर आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ इसके ऊपर। तो यहाँ आप ये देख सकते हैं कि ये यहाँ लॉगिन हो गया। तो इस तरीके से आप अपने किसी पुराने फ़ोन में जो कोई आपका YouTube चैनल चलाते थे, अब आपको उसे नए फ़ोन में लॉगिन करना है, नए फ़ोन में चलाना है, तो इस तरीके से आप